नमस्कार, कांतागर कुकिंग चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे कस्टर्ड। कस्टर्ड बनाने के लिए हमने सामान लिया है, ये हमने 1 लीटर दूध लिया है, इसमें डालने के लिए 150 ग्राम चीनी और ये अनार के दाने, एप्पल जो हमने कट करके रख लिया है, ये सर्दा, अंगूर और अपने मनपसंद के अनुसार फ्रूट ले सकते हैं, जैसे मैंगो, बनाना और ये हमने कुछ ड्राई फ्रूट्स कट करके रख लिए हैं। इसमें काजू, बादाम, पिस्ता और ये कस्टर्ड पाउडर है। हमारे पास 2 तरह का कस्टर्ड पाउडर है, ये वनीला और स्ट्रॉबेरी। आप चाहे बटर स्कॉच या कोई भी पाउडर यूज कर सकते हैं, पर आज मैं वनीला से बनाऊंगी। तो सबसे पहले हम गैस ऑन करेंगे और इसमें ये हम 1 लीटर दूध ये डाल देंगे। इसमें से हम थोड़ा, लगभग आधी कटोरी के करीब बचा लेंगे, लगभग इतना दूध बचा लेंगे और इसको उबलने देंगे। इसको उबलने देंगे तब तक हम ये कस्टर्ड तैयार कर लेते हैं। ये पाउडर हम लगभग 3 चम्मच पाउडर लेंगे एक बाउल में। और इसको हम थोड़ा थोड़ा ये दूध डालकर घोल लेंगे। हमने दूध इसलिए इसे घोलकर अलग से बनाते हैं ताकि इसमें लंप ना पड़े। इसको अच्छे से हम घोल लेंगे। ये देखिए हमारा कस्टर्ड पाउडर हमने इस तरह से घोल लिया है और इधर अब हम देखते हैं हमारे दूध में उबाल आ चुका है। ये देखिए अब हम इसमें चीनी ऐड कर देंगे और इसमें उबाल लगाएंगे 2 मिनट चलाते हुए चीनी को घोल लेते हैं। इस तरह से हम इसे चलाएंगे ताकि हमारी चीनी अच्छे से घुल जाए। चीनी घुल चुकी है, अब हम इसमें धीरे धीरे करके ये पाउडर डाल देंगे। और गैस का फ्लेम बिल्कुल सिम कर देंगे, हमें बिल्कुल सिम करके ही इसको चलाना है, नहीं तो ये तेज़ गैस पे नीचे से ये लग जाएगा पाउडर। ये देखिए कस्टर्ड गाढ़ा हो गया है, 1 मिनट हम इसे चलाएंगे इसी तरह। 1 मिनट हो चुकी है, अब हम गैस बंद कर देंगे। गैस हमने बंद कर दी है, अब हम इसको नॉर्मल टेम्परेचर पे थोड़ा ठंडा करेंगे। ठंडा करने के बाद फिर हम इसमें ये फ्रूट डाल देंगे। ये देखिए अब हमारा कस्टर्ड नॉर्मल टेम्परेचर पे ठंडा हो चुका है, अब हम इसे एक बाउल में डाल देंगे। ये देखिए हमने सारा कस्टर्ड बाउल में निकाल लिया है, अब हम इसमें फ्रूट डालेंगे। ये अंगूर, ये कुछ दाने हम अनार के डाल देंगे और थोड़ा ड्राई फ्रूट्स, ये हम गार्निश के लिए रख लेते हैं। इनको मिक्स कर देंगे।
अब हम इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स ऊपर से गार्निश कर देते हैं। और ये अनार के दाने, अभी हमारा कस्टर्ड बनकर तैयार। आप इसे 2-3 घंटे के लिए फ्रिज में रख दें और ठंडा ही इसे सर्व करें। अगर मेरे कस्टर्ड की रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।